नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसमें हम लोग कवर करेंगे कि इंट्रा और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है उसका बेसिक लॉजिक क्या है, फिर उसका एप्लीकेशन हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं, इंट्री के क्या रूल है और एग्जिट के क्या रूल है। तो अगर आप एप्लीकेशन के बारे में पूछोगे तो ये जो एप्लीकेशन है वो निफ्टी के सभी स्टॉक के लिए हो सकता है, बैंक निफ्टी के सभी स्टॉक के लिए हो सकता है, और इवन दो फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में जो स्टॉक आते हैं, एफएनओ ग्रुप में जो स्टॉक आते हैं, वो सब में ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एप्लीकेबल है। एप्लीकेशन में आप इसका इस्तेमाल जो है, इसका इस्तेमाल आपको चाहे तो आप इंट्राडे के लिए भी कर सकते हो, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो। अगर आप इंट्राडे के अलावा मान लो कि आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। एंट्री में जो है, एंट्री में दो पॉइंट आते हैं। एक तो पहला आता है फुल एंट्री एट वन टाइम और पार्शियल एंट्री, तो जिसको हम लोग बोलते हैं स्केल इन और स्केल आउट। तो ये थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट होने के कारण उसके बारे में डिटेल में हम लोग यहाँ पे बात नहीं करेंगे, लेकिन एंट्री का लेवल मैं आपको बता दूंगा। एग्जिट में दो टाइप के एग्जिट होते हैं। पहला जो होता है वो पहला होता है प्रॉफिट का एग्जिट, और दूसरा जो होता है वो लॉस का एग्जिट। प्रॉफिट के एग्जिट में भी दो टाइप होते हैं, एक होता है फुल एग्जिट होता है और दूसरा जो होता है वो पार्शियल एग्जिट होता है। पार्शियल एग्जिट भी आपको कभी कभी करना पड़ता है। तो ये जो एंट्री का और एग्जिट का रूल है, इसको भी आपको प्रॉपरली यूज करना पड़ेगा। तो ये जो फुल एग्जिट होता है, फुल एग्जिट आपको कब करना है, पार्शियल एग्जिट कब करना है, ये डिपेंड रहता है मार्केट मूवमेंट के ऊपर और आपके स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये सीख लेते हैं कि बेसिक लॉजिक क्या है अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले मार्केट में आपको एक रेंज बाउंड फेज आइडेंटिफाई करना है। रेंज बाउंड फेज का क्या मतलब होता है, मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं रेंज बाउंड मार्केट, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं कंसोलिडेशन का मार्केट। तो ऐसा रेंज बाउंड का फेज आपको आइडेंटिफाई करना है। ये रेंज बाउंड का फेज जब आप आइडेंटिफाई करोगे तो उसके ऊपर का जो लेवल है, उसके ऊपर के लेवल पर हम लोग ट्रेड का डिसीजन लेने वाले हैं। तो मान लो कि इस तरीके से आपने ऊपर का लेवल ड्रॉ किया हुआ है। अब जब दोबारा मार्केट ये लेवल के करीब आ जाएगा और यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिलेगा, तो ये ब्रेकआउट आपके लिए क्रूशियल पॉइंट होता है, क्योंकि इसी के ऊपर हम लोग अपना डिसीजन लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो पर्टिकुलर ब्रेकआउट है, इस ब्रेकआउट को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने के बाद उसका वॉल्यूम कंफर्मेशन ले लेंगे कि वहाँ पे वहाँ वॉल्यूम कंफर्मेशन है या नहीं है। तो ब्रेकआउट के बाद जो ब्रेकआउट के ट्रेड होते हैं उसमें जनरली एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है ये फॉल्स ब्रेकआउट का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। फॉल्स ब्रेकआउट का मतलब ब्रेकआउट के बाद दोबारा मार्केट नीचे आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो ये जो फॉल्स ब्रेकआउट का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, यहाँ पे डिसीजन टाइम जो आपका रहता है, ये ब्रेकआउट के बाद फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल या थर्ड कैंडल, ये तीन कैंडल के अंदर अंदर ही आपको डिसीजन लेना पड़ता है। यहाँ पे आपका ब्रेकआउट हो गया तो ब्रेकआउट के बाद फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल के अंदर अगर मार्केट दोबारा ये लेवल के करीब आता है, तो दोबारा ये लेवल के नीचे आने के बाद हम लोग यहाँ पे सेल का डिसीजन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो सेल का डिसीजन ले लेते हैं, वो सेल के डिसीजन का स्टॉप लॉस जो हमारा रहता है, तो ये जो ब्रेकआउट कैंडल का हाई जो रहता है, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रहता है। और ये जो कंसोलिडेशन के जो फेज रहता है, कंसोलिडेशन के फेज का नीचे का जो लेवल है, ये नीचे का लेवल जो रहता है, ये आपका टारगेट का पॉइंट रहता है। तो यहाँ पे आपको डिसीजन में, यहाँ पे आपको एंट्री का पॉइंट मिल गया कि कहाँ पे आपको इंटर करना है। यहाँ पे स्टॉप लॉस में आपको निगेटिव एग्जिट का पॉइंट मिल गया कि अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट जाता है तो निगेटिव एग्जिट कहाँ पे करना है, और टारगेट मतलब पॉजिटिव एग्जिट का आपको पॉइंट मिल गया। तो इसको अभी समझ लेते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, हेवेल्स का डेली का चार्ट मैंने आपके सामने खोला हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट नीचे आ रहा था, नीचे आने के बाद क्या हो गया, मार्केट थोड़ा सा ऊपर चला गया,
फिर उसके बाद थोड़ा नीचे आ गया, फिर थोड़ा ऊपर चला गया, फिर थोड़ा नीचे आ गया, फिर थोड़ा ऊपर चला गया, फिर थोड़ा नीचे आ गया, फिर थोड़ा ऊपर चला गया, फिर थोड़ा नीचे आ गया। मतलब ये जो है ये कम्प्लीटली रेंज बाउंड फेज है। तो इस तरीके का एक रेंज बाउंड फेज आपको आइडेंटिफाई करना है। रेंज बाउंड फेज आइडेंटिफाई करने के बाद ये हो गया आपका ऊपर का लेवल, तो आपके इस तरीके के एक ऊपर के लेवल को आइडेंटिफाई करना है, और ये हो गया आपका नीचे का लेवल, तो इस तरीके से एक नीचे के लेवल को आपको आइडेंटिफाई करना है। अभी ऊपर का लेवल हम लोगों ने मार्क किया है, और ऊपर का लेवल मार्क करने के बाद यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला हुआ है, तो इस ब्रेकआउट को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करने के बाद फिर उसका आपको नीचे वॉल्यूम का कन्फर्मेशन लेना है कि वॉल्यूम कन्फर्मेशन यहाँ पे कितना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो ब्रेकआउट मिला है, ब्रेकआउट के बाद फॉल्स ब्रेकआउट करने के लिए हम लोगों को जो फॉल्स ब्रेकआउट का ट्रेड ढूंढना है, वो फॉल्स ब्रेकआउट का ट्रेड ब्रेकआउट के फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल या थर्ड कैंडल, ये तीन कैंडल के अंदर अंदर ही मार्केट यहाँ से ये लेवल से नीचे आना चाहिए, तभी हम लोग वहाँ पे ट्रेड लेने वाले हैं। तो अपना एंट्री का पॉइंट जो रहेगा, ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है, यह हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे हमारा सेल का एंट्री पॉइंट रहेगा। फिर उसके बाद अपना स्टॉप लॉस जो रहेगा, ये जो ब्रेकआउट कैंडल का हाई है, ये ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रहेगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट डे अगर आप देखते हो, तो नेक्स्ट डे में आपको यहाँ पे ये जो लेवल ड्रॉ किया है, ये लेवल के नीचे हम लोगों ने मान लो कि सेल का ऑर्डर पंच किया, और अपना सेल का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, तो नीचे का ये जो लेवल बना हुआ है ये अपना टारगेट का लेवल है, तो यहाँ तक मार्केट नीचे आ सकता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो नेक्स्ट डे जैसे ही मार्केट ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा सेल का पोजीशन इनिशिएट हो गया। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे हम लोगों ने सेल किया हुआ है, उसका जो स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस अपना ब्रेकआउट कैंडल का हाई है, और उसके इमीडिएट विद इन दो दिन के अंदर ही अपना टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टारगेट लेवल पर मार्केट आने पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो या ट्रेलिंग स्टॉप भी लगा सकते हो। यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल ऊपर का जो हॉरिजॉन्टल लेवल है, उसके नीचे हम लोगों ने सेल इनिशिएट किया था, और ये अपना स्टॉप लॉस था। मतलब अपना रिस्क अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अपना रिस्क सिर्फ इतना ही था, और इस रिस्क के अगेंस्ट हम लोगों को जो टारगेट मिला हुआ है, वो टारगेट अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 1:3 के ऊपर ही आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला हुआ है। और ये जो ट्रेडिंग स्ट्रैटर्जी है, ये ट्रेडिंग स्ट्रैटर्जी का सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिशियल पॉइंट ये है कि विद इन अ शॉर्ट पीरियड आपको मिनिमम रिस्क के अंदर मैक्सिमम टारगेट मिल जाता है। तो यहाँ तक जो है वो पॉइंट मैंने आपको सभी बता दिए। अभी ये पॉइंट सीखने के बाद आपको इमीडिएट ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करना है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये ट्रेडिंग स्ट्रैटर्जी प्रॉफिटेबल है क्या। तो ट्रेडिंग स्ट्रैटर्जी का प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने का जो प्रोफेशनल मेथड है, उसको बोलते हैं बैक टेस्टिंग। तो बैक टेस्टिंग में जब आपको प्रॉफिटेबल रिजल्ट आ जाते हैं, तब आपको ये कंक्लूड कर सकते हो कि ट्रेडिंग स्ट्रैटर्जी जो है वो प्रॉफिटेबल है। फिर उसके बाद बैक टेस्टिंग कंप्लीट हो जाने के बाद आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटर्जी का फॉरवर्ड टेस्टिंग करना पड़ता है। फॉरवर्ड टेस्टिंग जो होता है, वो फॉरवर्ड टेस्टिंग लाइव मार्केट में होता है। तो जब आप फॉरवर्ड टेस्टिंग लाइव मार्केट में करते हो, तब आपको पता चलता है कि ये ट्रेडिंग स्ट्रैटर्जी इस्तेमाल करने के लिए प्रैक्टिकल है क्या। तो एक बार जब आपको प्रॉफिटेबिलिटी और प्रैक्टिकेबिलिटी का टेस्ट हो जाता है, तब आप कंक्लूड कर सकते हो कि ये ट्रेडिंग स्ट्रैटर्जी इस्तेमाल करने के लिए ठीक है। लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको छोटे अमाउंट के साथ स्टार्ट करना है, लेट से 10,000 रुपया। और जब आपका 10,000 रुपये का अकाउंट कॉन्जिक्यूटिवली दो बार आपका अकाउंट डबल हो जाएगा, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जब आपका अकाउंट कॉन्जिक्यूटिवली दो बार आपको डबल हो जाएगा, तब जाके आपको लाइव मार्केट में बड़े अमाउंट के साथ स्टार्ट करना है। तो ये जो अप्रोच है, इसको प्रोफेशनल अप्रोच बोलते हैं। इसी तरीके से आपको ये फॉलो करना है। अभी ये ट्रेडिंग स्ट्रैटर्जी का बैक टेस्टिंग कैसे करना है, फॉरवर्ड टेस्टिंग कैसे करना है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं इसके बारे में और भी वीडियोस बना सकता हूँ। वैसे मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको किसी नए टॉपिक के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो मुझे वैसा कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं वैसे वीडियो आपको बना के दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।